नमस्कार, आज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं, तो मुंबई महानगर के जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे हैं, ऐसे दुकानों पर बीएमसी 10 जून के बाद कार्रवाई करेगी। निर्देश की समय सीमा 31 मई को समाप्त हो गई है। वहीं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की आज कुल्हे की सर्जरी होगी। इस बीच मुंबई की विशेष अदालत ने पुणे के बिल्डर अविनाश भोसले को 8 जून तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। तो उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि रेस्टोरेंट को हुक्का परोसने के दौरान कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। प्रदेश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के नए मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के कई ऐसे इलाके हैं जहां ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। बीएमसी डैशबोर्ड के मुताबिक मुंबई के 11 वार्ड इन दिनों कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहां नए मामले अधिक पाए जा रहे हैं, इसी वजह से इन वार्डों की कोरोना मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर मुंबई की औसत वृद्धि दर से अधिक है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 300 से अधिक नए मामले मिल रहे हैं। एच वेस्ट वार्ड बांद्रा, एच ईस्ट वार्ड खार, ए वार्ड कोलाबा, एफ साउथ वार्ड परेल, के वेस्ट अंधेरी, एच ईस्ट वार्ड खार, जी साउथ वार्ड एल्फिंस्टन, एफ साउथ वार्ड परेल, एफ नॉर्थ माटुंगा, डी वार्ड ग्रैंट रोड, पी साउथ गोरेगांव, के वेस्ट वार्ड अंधेरी, एम वेस्ट वार्ड चेंबूर और एल वार्ड कुर्ला में ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इन इलाकों में कोरोना मरीजों की साप्ताहिक वृद्धि दर 0.028% से 0.052% है, जबकि मुंबई की औसत साप्ताहिक वृद्धि दर 0.026% है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 711 नए मामले दर्ज किए गए और एक मरीज ने संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में 711 नए मामलों के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 78,87,086 हो गई है। पिछले दिनों एक मरीज की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,47,860 हो गई। महाराष्ट्र में इस समय 3,475 उपचाराधीन मरीज है। राज्य में पिछले दिन 367 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं और अब तक कुल 70,35,751 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। मुंबई महानगर में जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे हैं, ऐसी दुकानों पर बीएमसी 10 जून के बाद कार्रवाई करेगी। मुंबई में सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों पर बोर्ड बड़े मराठी अक्षरों में लिखने का निर्देश बीएमसी ने दिया है, जिसकी समय सीमा 31 मई को समाप्त हो गई। लेकिन बीएमसी ने 1 जून से कार्रवाई न करते हुए बोर्ड मराठी में बदलने के लिए दुकानदारों को कुछ और समय दिया है। बीएमसी के उपायुक्त संजोग कबरे ने बताया कि दुकान एवं प्रतिष्ठान मराठी में बोर्ड लगा रहे हैं या नहीं, प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 75 इंस्पेक्टर है। निरीक्षण के दौरान यदि मराठी बोर्ड लगाने से दुकानदार इनकार करता है तो उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकानदार कोर्ट की कार्यवाही से बचना चाहेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके तहत दुकान में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। बीएमसी ने मुंबई में शराब की दुकानों के बोर्ड पर महापुरुषों या किलों के नाम लिखने पर भी बैन लगाया है। इन दुकानों से भी महापुरुषों एवं किलों के नाम 10 जून तक हटाने होंगे। बीएमसी के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मुंबई में जिस भी शराब की दुकान का बोर्ड महापुरुषों या किलों के नाम पर है, उन्हें नाम बदलना होगा। बीएमसी ने नामों को बदलने के साथ ही नया नाम भी महापुरुषों के नाम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज उनकी कुल्हे की सर्जरी होगी। मनसे नेता नितिन सरदेसाई ने यह जानकारी दी है। इससे पहले राज ठाकरे ने भी मीडिया से कहा था कि पीठ और घुटने की परेशानी दूर करने के लिए जल्द ही उनकी सर्जरी होगी। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे पर अल्टीमेटम देने के चलते राज ठाकरे काफी चर्चा में थे। इसके बाद उन्होंने 5 जून को अयोध्या दौरे पर जाने का भी ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राजकीय अयोध्या दौरे का विरोध का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों के साथ उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अपमानजनक व्यवहार और मारपीट के लिए माफी मांगे। जब तक ऐसा नहीं होता वे राज ठाकरे के दौरे का विरोध करते रहेंगे। बाद में 20 मई को राज ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या दौरा स्थगित करने की जानकारी दी थी।
22 मई को पुणे में आयोजित सभा में उन्होंने कहा था कि 1 जून को उनकी सर्जरी होनी है, इसलिए उन्होंने अयोध्या दौरा टालने का फैसला किया है। उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हालांकि इसके पहले उनके स्वास्थ्य और अयोध्या दौरे को लेकर तरह तरह की बातें की जाती रही। उन्होंने कहा था कि सभी सवालों का जवाब दूंगा, एक बार सर्जरी से निपट लूं। मुंबई की विशेष अदालत ने DHFL यस बैंक के कथित कर्ज घोटाले के मामले में गिरफ्तार पुणे के बिल्डर व अविनाश भोसले इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के समूह के चेयरमैन अविनाश भोसले को 8 जून तक के लिए CBI की हिरासत में भेज दिया है। CBI की हिरासत आवेदन के मुताबिक भोसले की कंपनी को साल 2018 में DHFL ने 68.82 करोड़ रुपए परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए दिए थे, जबकि CBI का दावा है कि बिना कोई सेवा दिए बिना ही भोसले की कंपनी को यह रकम दी गई है। CBI ने अपने हिरासत आवेदन में कहा है कि उसे इस मामले में पैसे के लेनदेन से जुड़ी पहलू की जांच करनी है, इसलिए आरोपी भोसले को 10 दिन के लिए CBI की हिरासत में भेजा जाए, किंतु विशेष न्यायाधीश ने आरोपी भोसले को 8 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। सुनवाई के दौरान भोसले के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, इसलिए CBI को इस मामले की जांच करने से रोका जाए। वही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जांच एजेंसी के पास मामले की जांच करने का अधिकार है, वह किसी भी पड़ाव पर मामले की जांच कर सकती है। CBI ने आरोपी के खिलाफ नियमों के खिलाफ कार्रवाई की है। CBI ने भोसले को 26 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। पिछले माह CBI ने भोसले के घर में छापेमारी की थी और उससे पूछताछ भी की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि रेस्टोरेंट को हुक्का परोसने के दौरान कानून का उल्लंघन करते पाया जाता है तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट ने यह बात मुंबई के साकिनाका इलाके में स्थित एक रेस्टोरेंट के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। न्यायमूर्ति PD नाइक व न्यायमूर्ति अभय आहूजा की अवकाश पीठ के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अशोक सरावगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल का रेस्टोरेंट सिर्फ हर्बल हुक्का उपलब्ध कराता है, फिर भी पुलिस को आशंका थी कि मेरे मुवक्किल का रेस्टोरेंट तंबाकू युक्त हुक्का परोसता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरावगी ने दावा किया कि पुलिस ने सिर्फ मौखिक रूप से हुक्का बंद करने को लेकर कहा है, इस बारे में कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। मेरे मुवक्किल के रेस्टोरेंट ने कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। वही सरकारी वकील SD शिंदे ने कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। पुलिस को याचिकाकर्ता के रेस्टोरेंट में जाकर नियमों के उल्लंघन करने की तस्दीक करने से नहीं रोका जा सकता है। यदि कोई कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक और याचिका प्रलंबित है, लिहाजा इस याचिका को भी उसी याचिका के साथ जोड़ा जाए। खंडपीठ ने अब 8 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई रखी है। भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। यह ट्रेन दार्जिलिंग और आसपास के खूबसूरत वादियों से होते हुए जाएगी, तो भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर साधु संतों में घमासान मच गया है। नासिक में कल आयोजित धर्म संसद में विवाद इतना बड़ा कि मामला हाथापाई तक पहुँच गया। वही सिंगर KK की मौत से म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और लखीमपुर हिंसा के गवाह दिलबाग सिंह पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। तो उधर राज्यसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जाने माने चेहरे और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ब्रजेश कलप्पा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली यह तीसरी ट्रेन है। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी और हाल ही में शुरू किए गए हल्दीबाड़ी चीलाहट्टी रेल लिंक से होकर गुजरेगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल सुजान ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों मंत्रियों ने दिल्ली के रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन दार्जिलिंग और आसपास की खूबसूरत वादियों से होते हुए जाएगी। ऐसे में इस ट्रेन को टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है। जिस रूट पर यह ट्रेन चली है उस इलाके में बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। पिछले ही साल 27 मार्च को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिताली एक्सप्रेस का वीडियो कॉन्फ्रेंस से उद्घाटन किया था, लेकिन कोविड की वजह से ट्रेन शुरू नहीं हो पाई थी। फिलहाल यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी। हर रविवार और बुधवार को सुबह 12:45 बजे न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और उसी दिन देर रात 10:30 बजे ढाका पहुंचेगी। वही ढाका से यह ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को रात 9:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी।
न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंट के बीच की दूरी 595 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन 9 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। इसमें केवल सवा घंटे का सफर भारत के इलाके में होगा, क्योंकि केवल 61 किलोमीटर भाग ही भारत में होगा। भगवान हनुमान के जन्म स्थान को लेकर कल मंगलवार को नासिक में एक धर्म संसद आयोजित की गई थी। इसमें शामिल होने के लिए त्र्यंबकेश्वर, कर्नाटक और सोलापुर के करीब 20 से 25 साधु संत पहुंचे थे। हालांकि देखते ही देखते संतों में विवाद बढ़ने लगा, मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। दरअसल हनुमान की जन्मस्थली को लेकर यह धर्म संसद बुलाई गई थी। इसमें तय होना था कि हनुमान जी का जन्म आखिर कहाँ हुआ। साधु संत बातचीत कर ही रहे थे कि इसी दौरान नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और कर्नाटक के किष्किंधा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच झगड़ा हो गया। इसके बाद मंगलवार की धर्म संसद यही रद्द हो गई। कर्नाटक का दावा है कि हनुमान का जन्म किष्किंधा के अंजनाद्री पर्वत पर हुआ था। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश भी हनुमान की जन्मस्थली पर दावा करता आ रहा है। आंध्र के दावे के मुताबिक हनुमान की जन्मभूमि तिरुपति की 7 पहाड़ियों में से एक पर है। इस पहाड़ी का नाम भी अंजनाद्री है। कर्नाटक के शिवमोगा स्थित रामचंद्रपुर मठ के प्रमुख राघवेश्वर भारती अपने दावे के समर्थन में रामायण का जिक्र करते हैं। इसमें हनुमान सीता से समुद्र के पार गोकर्ण में अपना जन्म स्थान होने की बात कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि झारखंड के गुमला जिले के अंजन धाम में उनका जन्म हुआ था। हरियाणा के कैथल को भी भगवान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी बना है। वहीं गुजरात के डांग जिले में एक स्थान है, माना जाता है कि हनुमान का जन्म यही हुआ था। सिंगर केके की मौत, म्यूजिक इंडस्ट्री में मातम पसर गया है। केके ने बॉलीवुड के तमाम ऐसे गाने गाए जिसने लोगों की रूह को छू लिया। कहते हैं कि वो दिल से गाते थे और म्यूजिक ही उनका पहला और आखिरी प्यार था। ये इस बात से भी जाहिर होता है कि एक बार उन्होंने 26 साल के अपने करियर में कभी शादियों में गाना नहीं गाया। तकरीबन 14 साल पहले उन्होंने इस बारे में बात भी की थी। वो बोले थे कि अगर उन्हें 1 करोड़ रुपए भी मिले तब भी वो वेडिंग फंक्शन में न गाए। यही नहीं, केके को फिल्मों में एक्टिंग का भी ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। जाहिर है कि केके सिर्फ और सिर्फ गाने पर ही फोकस करना चाहते थे और उन्होंने हमेशा अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज को ही महत्व दिया। साल 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के वैसे तो सारे ही गाने हिट हुए थे, लेकिन तड़प तड़प का सैड सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था। उसे केके ने गाया और इस्माइल दरबार ने कंपोज किया था। इस गाने का मशहूर किस्सा भी है। दरअसल सेट पर एक बार ये गाना बज रहा था और सलमान खान ने इसे सुना। जैसे इस गाने का आवाज और दर्द सलमान ने सुना तो वह तुरंत पूछने लग गए, आखिर किसने इसे गाया है, किसका ये गाना है। सलमान खान को देख इस्माइल दरबार सकपका गए और वह सोच में पड़ गए कि कहीं सलमान खान नाराज तो नहीं हो गए हैं। लेकिन सलमान खान ने इस्माइल से मिलकर इस गाने की तारीफ की और कहा कि ये गाना जब रिलीज होगा तो लोगों को रुला देगा, बहुत ही शानदार है। वाकई ऐसा हुआ, जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और लखीमपुर हिंसा के गवाह दिलबाग सिंह पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमला कल देर रात उस समय हुआ जब दिलबाग सिंह गोला कोतवाली क्षेत्र में अलीगंज मुड़ा रोड से अपने एसयूवी से घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 2 लोगों ने उन पर गोली चला दी। हालांकि सिंह को इस हमले में कोई चोट नहीं आई। सिंह 3 अक्टूबर 2021 के तिकुनिया हिंसा के गवाहों में से एक है। तिकुनिया हिंसा में 4 किसानों, 1 पत्रकार समेत 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा इसी मामले में जेल में है। सिंह ने फोन पर कहा कि बदमाशों ने उनकी एसयूवी का एक टायर पंक्चर कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें वाहन रोकना पड़ा। सिंह ने कहा कि वह खुद वाहन चला रहे थे और एसयूवी में अकेले थे। हमलावरों की मंशा भांपते हुए उन्होंने ड्राइविंग सीट को मोड़ दिया और नीचे की ओर झुक गए, क्योंकि विंडो पर काली फिल्म चढ़ी थी और बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमलावर एसयू में उनकी स्थिति देख नहीं सके और अपनी मोटरसाइकिल पर भाग निकले। सिंह ने इस हमले के तुरंत बाद गोला कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई है और इस घटना के बारे में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रवक्ता राकेश टिकैत को जानकारी दे दी है। दिलबाग सिंह की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। हमलावरों की पहचान करने के प्रयास जारी है। राज्यसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। समाचार चैनलों की बहस में कांग्रेस के जाने माने चेहरे और उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ब्रजेश कलप्पा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वह 25 वर्ष से कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में वह अपने उत्साह में कमी महसूस कर रहे हैं।
उनका प्रदर्शन उदासीन और निरुत्साह वाला रहा है। सोनिया गांधी को 30 मई को लिखे एक पत्र में कलप्पा ने राज्य में पार्टी के शासन के दौरान मंत्री पद के समकक्ष कर्नाटक सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति समेत उन्हें दिए गए अवसरों के लिए धन्यवाद दिया। कलप्पा ने सोनिया को उन्हें संरक्षण देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह 2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के शासन के समय से लगभग एक दशक तक हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ समाचार चैनलों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और उन्होंने 6497 बहसों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा पार्टी नियमित रूप से उन्हें राजनीतिक काम सौंपती रही है, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भरसक प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि 2014 और 2019 की पराजय के बाद पार्टी के लिए सबसे बुरे समय में भी मैंने कभी उत्साह और ऊर्जा में कमी महसूस नहीं की, लेकिन हाल के दिनों में मैं खुद के जुनून में कमी महसूस कर रहा हूँ और इन परिस्थितियों में मेरे पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने और 1997 में शुरू हुए अपने जुड़ाव को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। रूस ने अमेरिका को नए परमाणु खतरे की चेतावनी दी है और दावा किया है कि पुतिन केवल 4 मिसाइलों से उसके पूर्वी और पश्चिमी तट को पलक झपकते मिटा सकते हैं, तो पाकिस्तान के खास मित्र भी अब उसे कर्ज देने से कतरा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर गायब हो चुके लोगों को जल्द से जल्द खोजने को कहा है। इस बीच चीनी पनडुब्बी की तरफ से दागी गई मिसाइल की चपेट में आने से यात्रियों से भरा एक विमान बाल बाल बचा। तो उधर मिस्र के सक्कारा में खोजी गई प्राचीन कांस्य की मूर्तियों और अच्छी तरह से संरक्षित कर जनता के सामने प्रदर्शनी के लिए लाया गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रूसी स्टेट मीडिया ने अमेरिका को नया परमाणु खतरा जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन केवल 4 मिसाइलों के साथ पूरे पूर्वी और पश्चिमी तट को मिटा सकते हैं। खबर के मुताबिक रूसी सांसद एलेक्सी जुरावलेन ने दावा किया है कि रूस के 4 खतरनाक परमाणु हथियार अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों को तबाह करने के लिए काफी है। उन्होंने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि अमेरिका के तटों पर रूसी परमाणु हमला होता है तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ मशरूम के बादल दिखाई देंगे। धमाका इतना खतरनाक होगा कि मशरूम के बादल मेक्सिको तक दिखाई देंगे। जानकारी के मुताबिक रूस ने जिस परमाणु हथियार का जिक्र यहाँ किया है उसका नाम सरमट 2 परमाणु है। रूस का यह नया परमाणु हथियार बेहद ही खतरनाक और पावरफुल है। फिलहाल इसकी काट किसी भी देश के पास नहीं है। बता दें कि अमेरिका रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन को भरपूर सैन्य सहायता दे रहा है, इसलिए इसे रूसी धमकी के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस ने पोलैंड को भी चेतावनी दे रखी है, बावजूद इसके पोलैंड ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के तौर पर 18 होइट्जर तोपें देने का फैसला किया है। ये तोपें 40 किलोमीटर तक फायर कर सकती है और इससे 1 मिनट में 6 बार फायर संभव है। यूक्रेन की सैन्य सहायता करने के मामले में पोलैंड अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूसी सांसद की धमकी भरे इस बयान पर हालांकि दोनों देशों की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई है, लेकिन रूस के इरादे और खतरनाक होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सेवेरोडोनेट्स्क शहर पर अब उसने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी आर्मी खार्किव पर भी लगातार हमले कर रही है। पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सत्ता में परिवर्तन होने के बावजूद भारत के इस पड़ोसी देश की किस्मत बदलने का नाम नहीं ले रही है। विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है तो विदेशी मुद्रा भंडार हर दिन खाली होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने से आनाकानी कर रहा है, यहाँ तक कि उसके खास मित्र रहे देश भी अब ऐसी हालत में कतरा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम मदद के लिए सऊदी अरब, UAE गए, इसके साथ ही अन्य कई देशों से बात की। ये सभी देश पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन इनका कहना है कि हमें पहले IMF में जाने की जरूरत है। दिगर बात यह है कि पाकिस्तान के इन सभी दोस्तों को पता है कि IMF कर्ज देने के लिए कड़ी शर्तें लाद रहा है, फिर भी इनका ये कहना है कि पाकिस्तान को पहले IMF के पास जाना चाहिए। यह उनके इरादे स्पष्ट कर देता है। मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने स्वीकार किया है कि चीन के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। उनकी शर्त है कि अगर IMF पैसा देता है तो ही वो पाकिस्तान को लोन के रूप में पैसे देंगे। 4 साल पहले 2018 में पाकिस्तान ने IMF में जाने से पहले चीन, UAE और सऊदी अरब से कर्ज हासिल करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान के इन्हीं सहयोगियों ने एक शर्त थोप दी है कि अगर IMF उधार देता है तो ही वे पैसा देंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान का आर्थिक जोखिम स्कोर 2009 के बाद से सबसे निचले स्तर पर है। वर्तमान में पाकिस्तानी रुपया एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी है।
पाकिस्तान में इस्लामाबाद कोर्ट ने एक निर्देश जारी कर गायब हो चुके लोगों को जल्द से जल्द खोजने को कहा है। कोर्ट ने न सिर्फ मौजूदा सरकार बल्कि पिछली सरकार को भी इस काम पर लग जाने को कहा है। इस्लामाबाद कोर्ट ने इन सभी गायब हुए लोगों का जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार को ठहराया है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ के शासनकाल से ही लोगों के गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक चलता आ रहा है। लगभग दो दशक में 8,000 से भी अधिक लोग गायब हुए हैं। कोर्ट के अनुसार ये सभी लोग किसी न किसी राजनीतिक कारण के चलते ही गायब हुए हैं। ऐसे में कोर्ट ने मौजूदा शाहबाद सरकार के साथ साथ परवेज मुशर्रफ तक की पिछली सभी सरकारों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता शरीन मजारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया है। कोर्ट के फैसले में सिर्फ सरकार को ही इस निर्देश में शामिल किया गया है, जबकि मजारी ने सरकार, सेना और ISI तीनों के खिलाफ याचिका दायर की थी। ये भी माना जाता है कि इनमें से कई लोग क्यूबा के ग्वांतानामो बे की जेल में बंद है। इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अहतर मिन्नल्ला ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर सरकार गुमशुदा लोगों को ढूंढने में फेल हो जाती है तो प्रधानमंत्री समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों और अंतरिम मंत्रियों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक गायब होने वाले लोगों में सर्वाधिक बलूचिस्तान के अलगाववादी कार्यकर्ता है। ये लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध में शामिल थे। इन लोगों का मानना है कि चीन के लोग बलूचिस्तान के संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं और संसाधनों के इस्तेमाल के बदले चुनिंदा लोगों को नौकरी दी जाती है। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गायब होने वाले लोगों में से 5,000 लोगों के बारे में पता लगा लिया गया है। चीनी पनडुब्बी की तरफ से दागी गई मिसाइल की चपेट में आने से यात्रियों से भरा एक विमान बाल बाल बचा। दरअसल पायलट ने जैसे ही देखा कि विमान के रूट पर एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, उसने फौरन अपने विमान का रूट चेंज कर लिया। अगर पायलट ने मिसाइल को नहीं देखा होता और अपने विमान का रूट चेंज नहीं करता तो विमान आसमान में ही ध्वस्त हो जाता। पायलट जॉन कॉर्टर ने फेसबुक पर इस घटना का वीडियो पोस्ट किया है और दावा किया है कि इस वीडियो को कॉकपिट से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो क्लिप में विमान उड़ा रहे पायलटों को आपस में बातचीत करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वो मिसाइल के बारे में बात कर रहे थे। पायलट जॉन कॉर्टर ने कहा कि वीडियो उसके दोस्त ने भेजा है, जिसने दावा किया है कि जब वो साउथ चाइना सी में सान्या के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मिसाइल को अपनी फ्लाइट की तरफ आते देखा और फिर इसका वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया। पायलट जॉन कॉर्टर के मुताबिक उनके दोस्त एक विदेशी एयरलाइन में काम करते हैं। उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी मिनट में एक कॉल जारी किया गया और फौरन विमान को 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए कहा गया। जॉन कॉर्टर ने संदेह जताया कि ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी मिसाइल हो सकती है, जिसे पनडुब्बे से छोड़ा गया होगा। दरअसल चीन नहीं चाहता है कि दक्षिण चीन सागर के इस हिस्से में कोई वाणिज्यिक हवाई यातायात हो। वहीं इसे गुप्त परीक्षण के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर मिसाइल दागने के पहले एयर कंट्रोल को सूचना दे दी जाती है। मिस्र के सक्कारा में खोजी गई प्राचीन कांस्य की मूर्तियों और अच्छी तरह से संरक्षित कर जनता के सामने प्रदर्शनी के लिए लाया गया। पुरातत्वविदों ने अतीत में सक्कारा नेक्रोपोलिस में दफन मिस्र के राजवंशों से संबंधित अवशेषों की खोज की थी, लेकिन यह नवीनतम खोज 5वीं शताब्दी के पूर्व की है। मिस्र के पुरातत्विक मिशन द्वारा साल 2018 से इस पर काम किया जा रहा था। यह स्थान राजधानी काहिरा से 18 मील दूर है। बयान के मुताबिक पुरातत्वविदों को कांस्य के बर्तन भी मिले हैं। इन बर्तनों के बारे में कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल प्रजनन क्षमता की देवी आइसिस के लिए प्रार्थना के दौरान किया जाता था। इसके साथ ही पुरातत्व विभाग को 250 लकड़ी के ताबूत मिले हैं। इन ताबूतों पर चित्र बना हुआ है, इनके अंदर मम्मी मौजूद है। ये ताबूत 747 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व के बीच की है। इसमें मिस्र के देवी देवताओं बास्टेट, अनुबिस, ओरिसिस, अमुनमिन, आइसिस और हथोर के 150 से ज्यादा कांस्य की मूर्ति मिली है। इसके अलावा ब्रेसलेट, नेकलेस और इयर रिंग भी मिले हैं। पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान मिस्र की रानी नेयरित का अंत्योष्टि मंदिर भी मिला है। रानी नेयरित राजा तेती की पत्नी थी। राजा तेती मिस्र के छठे राजवंश के पहले फराओ थे। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को इम्होटेप की मूर्ति भी मिली है। इम्होटेप के बारे में माना जाता है कि वह एक बहुचर्चित आर्किटेक्ट थे और उन्होंने 4,700 साल पुराने पिरामिडों का डिजाइन किया था, और डिजाइन ही पिरामिडों को खास बनाते हैं। इस खोज के साथ एक अनोखी चीज ये भी है कि पिछले 100 साल में पहली बार एक भोजपत्र बिल्कुल सही सलामत मिला है। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।